हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद हैं लेक सेशन आईटी में। आज हम लैब करेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगरेशन फास्टर टनल माइक्रोटिक पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि फास्टर टनल कैसे हम बनाते हैं, फास्टर टनल कैसे बनाते हैं हम। अगर आपको कोई भी अगर आपको स्पीड में कोई चीज़ गुजारनी हो तो उसके लिए हम माइक्रोटिक में हम कन्फिगर करेंगे फास्टर टनल। ओके, तो ये टोटल काम होता है आपकी पोर्ट्स पे। ओके, तो हम पोर्ट्स कन्फिगर करेंगे। इससे होगा कि आपकी अगर आपको कोई भी अपने टनल से कोई भी आपकी ऑनलाइन सर्विस ऑनलाइन चीज़ें होती हैं जो आप चलाना चाहते होंगे आपके यूज़र्स ऑनलाइन सर्विसेज, तो उसके लिए हमें फास्टर टनल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो हम फास्ट हैंड टनल क्रिएट करेंगे। ओके, इससे होगा कि आपका फास्ट जो भी आप पैकेट सेंड एंड रिसीव करें वो आपके फास्ट ट्रैफिक की तरह से गुजरेगा। इससे होगा कि जो भी आपकी एप्लीकेशन होंगी वो एकदम फास्ट ट्रैक से गुजरेंगी। ओके, तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। तो ये हमारा माइक्रोटिक का राउटर है, 6.41 जन का वही जो होता है अक्सर। ओके, और ये हमारा इनबॉक्स है, इसको ऑलरेडी हम खोल चुके हैं। ओके, ये तो आपको पता होगा। अच्छा, इसमें हमें हमारे ये जो आपको पता होगा, ये हमारे इंटरफेस है, ये हमारे इंटरफेस चलने लगे हैं। तो हमें आईपी में जाना होगा और यहाँ से हमें फायरवॉल में आने के बाद हमें एमंगल में आना होगा। ओके, तो एमंगल में हमें रूल क्रिएट करना पड़ेंगे। ओके, हमें 4-5 इसमें रूल क्रिएट करना पड़ेंगे, तो इसी से हम अपने फास्टर टनल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हमें फास्टर टनल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे 4-5 मंगल में फॉरवर्डर रूल बनाना पड़ेंगे। ओके, तो चल अब बनाते हैं अपने रूल। सबसे पहले हम प्लस पे बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम आएंगे जनरल में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड में हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम प्रोटोकॉल 6। अच्छा, इसमें दो तरीके से होंगे, एक हमें टीसीपी पोर्ट यूज़ करना पड़ेगी और दूसरी यूडीपी। ओके, यूडीपी पोर्ट। ओके, तो ये पोर्ट करके हम इनकी 5101 करके करेंगे। और ओके, तो यहाँ से हम फॉरवर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम टीसीपी पोर्ट को हम टीसीपी पोर्ट ही रहने देंगे। और यहाँ से हम डेस्टिनेशन पोर्ट में सेलेक्ट करेंगे 5100। ओके, डैश, फिर अपना 5900 पे डैश पे 4190। ओके, डबल जीरो, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। ओके गाइस, तो ये हम डेस्टिनेशन पोर्ट में 5900 लिखेंगे और डैश 5900, जो आपकी पोर्ट सबसे ज़्यादा फास्ट पे हो वही आप लिख लें इधर। ओके, तो फिर हम आएंगे यहाँ पे एक्शन में यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से हमें मार्क कनेक्शन। ओके, मार्क कनेक्शन में हम यहाँ पे हम देंगे फास्ट डैश सी कनेक्शन। ओके, यहाँ से हम फास्ट कनेक्शन देंगे। ओके, तो ये देख ली गई है। अब सबसे पहले हमें टीसीपी बनाना होगा, टीसीपी हमें फास्ट कनेक्शन के लिए हमें डेस्टिनेशन ये लिखना पड़ेगा। ओके, इसको हम अप्लाई करेंगे और ओके कर लें। आपको जो सही लगी डेस्टिनेशन पोर्ट जो फास्ट के लिए आपको पोर्ट रखनी हो आप रख लें। ओके, इसको ओके करेंगे तो हमारा टीसीपी बन गया। अब हम एक और बनाएंगे जनरल में आके फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड बनाएंगे यहाँ से हम और पोर्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से हम यूडीपी। ओके, यूटीपी पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट हम देंगे यहाँ पे 4005000। ओके, ये दे दें अभी इधर यूटीपी में। और एक्शन में यहाँ पे आने के बाद भी आपको मार्क कनेक्शन देंगे। ओके, यहाँ पे हम मार्क कनेक्शन देंगे और यहाँ से हम वही सिलेक्ट कर लेंगे अपना फास्ट कनेक्शन। ओके, फास्ट कनेक्शन इसको अप्लाई और ओके। ओके, दो ये हमारे दो बन चुके हैं, टीसीपी और यूडीपी। ओके, तो फिर हम एक और सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जनरल पे आएंगे और जनरल से यहाँ पे सेलेक्ट करने का फॉरवर्ड सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, फिर हमें ये जब हमने दो बना दिए हैं गाइस, ये आप देख सकते हैं टीसीपी बन चुका है और हमारा एक यूडीपी बन चुका है। ओके, फॉरवर्डर में अब हमें कनेक्शन जो बनाना होगा, अब हमें
कनेक्शन मार्क पे बनाना होगा। ओके फॉरवर्डर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से हम, ये मैं फर्स्ट टनल के लिए, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसको, देंगे फास्ट कनेक्शन, यहाँ पे चेक लगा देंगे। ओके ओके फास्ट कनेक्शन हो गया। फिर हम एक्शन में आएंगे, एक्शन में हमें वही मार्क कनेक्शन, और यहाँ से हम लिखेंगे अदर अदर कनेक्शन। ओके अदर कनेक्शन हो गया आपका ये। ओके यहाँ से हम मार्क कनेक्शन करने के बाद इसको अप्लाई, ओके इसको अप्लाई और ओके कर देंगे। ओके तो ये हमारे एक टी सी बन गया, एक यूडीबी बन गया, और एक हमारा अदर कनेक्शन बना है। और एक और हम बनाएंगे, अब जनरल में आएंगे, यहाँ से हम वही फॉरवर्डर, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अब अदर कनेक्शन। ओके अदर कनेक्शन, और यहाँ से हम फिर एक्शन में आएंगे, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, अब सेलेक्ट करेंगे हम मार्क पैकेज। ओके मार्क पैकेज, तो भी यहाँ से हम लिखेंगे अदर डैश पैकेज। ओके अदर पैकेज करेंगे, इस पर चेक हटाएंगे हम, और इसको अप्लाई करके और ओके कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा एक मार्क कनेक्शन, एक मार्क पैकेज बन गया, और एक ये, और एक टीसीपी, और एक यूडीपी। ओके ओके गाइस, अच्छा ये बात याद रखिएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट में आप कौन सी आपको पोर्ट सही लगे, जो स्पीड में हो आपके, जिस तरह का टनल चल रहा हो उस तरीके से ही आप पोर्ट सेलेक्ट करें। ओके गाइस, तो ये हमारे तीन चार बन गए, हमें एक और कनेक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके तो ये अब हमें एक और कनेक्शन बनाना होगा, यहाँ पे हमें फॉरवर्डर वही सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉरवर्डर, और यहाँ से हमें मार्क कनेक्शन में अपना, सॉरी कनेक्शन मार्क में, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा फास्टर कनेक्शन जो हमने शुरू में बनाया था। ओके जो हमने शुरू में बनाया था हम वो सेलेक्ट करेंगे फास्टर कनेक्शन, और यहाँ पे हम एक्शन में आएंगे, एक्शन में आने के बाद फिर हम यहाँ पे हम मार्क कनेक्शन, मार्क पैकेज। ओके ओके मार्क पैकेज, ओके यहाँ से हम लिखेंगे फास्टर फास्टर डैश पैकेज, फिर यहाँ से हम चेक हटा के इसको अप्लाई करके और ओके कर देंगे। ओके तो ये हमें एक दो तीन चार पाँच रूल क्रिएट करना पड़ेंगे हमें फॉरवर्ड के, जिसमें हमें टीसीपी और यूडीपी बनाना पड़ेगा, फिर हमें इसका कनेक्शन बनाना पड़ेंगे, और फिर हमें इसका मार्क पैक बनाना पड़ेगा। ओके मार्क पैकेज, ओके ओके फिर ये करने के बाद आप अपनी क्यूरीज में आएंगे, सामने हम देखेंगे सिस्टम के नीचे क्यूरीज होंगी, क्यूरीज में हमें बैंडविड्थ सेट करना पड़ेगी, जो हमारी बैंडविड्थ होगी, जो आपके यहाँ पे बैंडविड्थ चल रही हो वही सेलेक्ट करें हम यहाँ से। ओके प्लस के बटन पे दबाएं, और यहाँ से हम लिखते हैं फास्ट कनेक्शन, फास्टर कनेक्शन, अच्छा फास्टर लिंक लिखते हैं, फास्टर लिंक। ओके फास्टर लिंक, और यहाँ से जो आपकी आई पी चल रही है, जैसे मेरी 192.168.1.0 /24, ओके सही, तो डी दफा डेस्टिनेशन फोन हटा दो। ओके ओके गाइस, तो ये हमारी पोर्ट बन चुकी है, यहाँ से हमें हमारा लिंक चल रहा है 2 से 10 MB तक का। ओके जो हमें मैक्सिमम लिमिट और हमें टारगेट एंड टारगेट डाउनलोडिंग जो आपको रखनी हो आप रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 और यहाँ से 10। ओके ओके ये करने का, फिर हमें एडवांस में मार पैकेट में यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना फास्टर पैकेज। ओके फास्टर पैकेज जो हमने ऐड करवाया था। ओके ये करवाने का भी इसको इसके करने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे, तो हमारा फास्टर लिंक क्रिएट हो जाएगा। ओके गाइस, तो इसमें आपको अपनी आईपी सेट करने के बाद, ओके ये करने के बाद अब इसको अप्लाई करें और ओके कर देंगे। मैंने 24 नहीं लगाया था, ये हम लगा दें क्योंकि 24 की सब नेटिंग आईपी नेट आईडी नेटवर्क आईडी है। ओके इसको मैं नेटवर्क आईडी को सेलेक्ट करने के बाद नेटवर्क आईडी ओके मैं नेटवर्क आईडी इस तरह करने के बाद इसको अप्लाई करें और ओके कर देंगे। ये बात याद रखें, हमें 5 MB जो आपके जितना MB का टनल हो उतनी MB की आप स्पीड रखवा लें ताकि आपका फास्टर टनल, और ओके करें फिर इसको अप्लाई करें, क्यूरीज में आप लिस्ट बना लें, और ये आपको मस्ट है कि आपको TCP और UDP मस्ट ऐड करवाना फास्टर टनल के लिए, मतलब आपको कोई भी एप्लीकेशन फास्ट पैकेट से गुजारनी, मतलब कि होती हैं बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही होती हैं जो जो हमें फास्ट ट्रैक पे चलानी होती हैं एप्लीकेशंस को, ऑनलाइन को,
तो हमें उसके लिए ये काम करना पड़ता है। ओके ओके गाइस, तो उसके लिए हमें यही चीज़ें करना पड़ेंगी, फॉरवर्डर बनाने पड़ेंगे 1 2 3 करके, जिसमें हमें TCP और UDP सेलेक्ट करना होगा। ओके गाइस, तो उसके लिए आपके ISP के ऊपर होता है कि आपकी ISP किस तरीके की है, जिस तरीके की आपकी ISP प्रोवाइडर हो, आपके पास बैंडविड्थ का टनल हो, उसके हिसाब से ही अपना ये क्यूरीज का एक टनल बना लें। ओके गाइस, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़।